क्या एक बार फिर से प्रियंका के साथ होगी नाइंसाफी? आइए शॉकिंग अपडेट सामने, चले आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब फिनाले बस कुछ ही हफ्ते दूर है भाई, और जैसे जैसे दिन पास आ रहा है फिनाले का, वैसे वैसे जो दिल की धड़कनें हैं, चाहे वो कंटेस्टेंट्स हों या फिर ऑडियंस, सबकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जल्द ही हमें बिग बॉस 16 का विनर मिलने वाला है। और अंदर की अगर मैं बात करूँ तो भाई कंटेस्टेंट्स जितने भी टॉप 7 बचे हैं, वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि ट्रॉफी वो उनके हाथ आए, वो फिनाले तक पहुँचे, टॉप 2 टॉप 3 तक पहुँचे। ये एक जुनून उनके अंदर सवार हो गया है, और साथ ही साथ एक इनमें से जाने वाला है, एक एविक्शन होगा। अब देखते हैं क्या होगा आने वाले वक्त में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक प्रोमो आया है, केन घर के अंदर आए हैं और बिग बॉस ने कह दिया कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और आपको 9 मिनट्स आपके हाथ में रहेंगे, और आपको टाइम वो कैलकुलेट अच्छे से करके ये पूरा टास्क कंप्लीट करना है। तो केन के सामने आते हैं और केन उन्हें बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं कि करके कंटेस्टेंट्स को, ताकि वो मिस कर दे अपना टाइम। तो इस तरीके से उनसे बात करते नजर आते हैं, प्लस उनको सोशल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, उनके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, चाहे वो शालीन शालीन का हो, अर्चना का हो, शिव का हो, सभी को बताया जा रहा है कि बाहर इस तरीके की लहर चल रही है, आपको लेके ये सब बातें हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट कर रहा है। तो प्रोमो में हमने देखा कि इन कंटेस्टेंट्स को बताया गया, दिखाया गया अबाउट द सोशल मीडिया कि उनको लेकर क्या बातचीत कर रही है, चल रही है। लेकिन प्रियंका को लेकर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है प्रोमो में। तो मुद्दा ये है कि क्या एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बाहर प्रियंका को लेकर क्या कुछ चल रहा है, प्रियंका को लेकर जो दीवानगी है क्या वो दिखाया जाएगा, प्रियंका को बताया जाएगा? क्योंकि ज्यादातर यही हुआ है कि घर के अंदर जो भी गेस्ट आते, जो भी था, वो बाकी सारे अन्य कंटेस्टेंट्स को लेकर ये बताते हैं कि आपको भाई लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका को इतना नहीं बताया गया है। तो क्या इस टास्क के जरिए उनको दिखाया जाएगा, या फिर इस बार भी उन्हें नहीं बताया जाएगा, बाकी सिर्फ सिर्फ केन ही उनके साथ उन्हें उनसे बात करते हुए, उन्हें थोड़ा डिस्टर्ब करते हुए नजर आएंगे, ताकि वो अपना टाइम कैलकुलेट ना कर पाए? तो ये सारी चीजें होगी, लेकिन क्या प्रियंका को दिखाई जाएगी? आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि नहीं दिखाई जाएगी, सोशल मीडिया की बातें उन तक बताई जाएगी, या फिर नहीं होगी? आप हमें अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए देखते रहिए फीफा।